धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सासंग जी, इंसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सासंग जी, जैसा आपको पता है कि जब पूज्य पिताजी पैरोल पर आते हैं तो पहले की तरह ही आने वाले समय में काम आने वाले ऐसे पावन वचन फरमाते हैं जो कि अब लोगों के सामने आ रहे हैं। एक ऐसी ही खबर आपके लिए लेकर आए हैं जो कि पूज्य पिताजी ने इस बार की पैरोल के दौरान ही ऑनलाइन बताई थी, जो अब लोगों के सामने आ रही है। अब लोगों को पता चल रहा है कि उनकी कितनी इम्पोर्टेंस थी जो बातें पूज्य पिताजी ने पैरोल के दौरान बताई थी। दरअसल दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन 14 अप्रैल के बाद वहां की सरकार वहां पर पानी सप्लाई करने में असमर्थ हो चुकी है, क्योंकि वहां पर पानी की बड़ी किल्लत थी, इसीलिए वहां पर पानी सप्लाई किया जाता था और पानी मुक्त शहर उसे ऐलान दिया गया है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तो सासंग जी, पूज्य पिताजी ने इस बार की पैरोल के दौरान ही सासंग को पानी की इम्पोर्टेंस बताते हुए फरमाया था कि पानी को बचाना बेहद जरूरी है। पूज्य पिताजी ने उदाहरण भी दी थी कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, इसलिए पानी की बर्बादी ना करें, फालतू में टूटी खुली ना छोड़ें, नहीं तो सासंग जी ऐसे हालात होने में देर नहीं लगेगी। दक्षिण अफ्रीका की उदाहरण आप ले सकते हैं कि वहां पर कितनी अब मुश्किल हो चुकी है। तो सासंग जी, पूज्य पिताजी ऐसे फ्यूचर में काम आने वाले पावन वचन फरमाते रहते हैं जो लोगों के अब सामने आ रहे हैं। तो सासंग जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे एक लाइक कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।